इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये अब समय आ गया है कि अगर कृषि वैज्ञानिकों के पास कोई विकल्प नहीं है, समाधान नहीं है, एक तो उनको कहना चाहिए कि आपका जो नीति है वो बदल दे, अपना अनुसंधान बदल दे, अगर नहीं बदलते तो तनख्वाह ले और कंबल लेकर सो जाए, अनुसंधान मत करे, क्योंकि जब भी अनुसंधान होगा किसानों के लिए खतरनाक साबित होगा। कौन देगा? सरकार उनसे मांग रही नहीं है, नीति आयोग ने समझ लिया कि इनके पास नहीं है। सजीव खेती जहां जहां चल रही थी वहां का अभ्यास किया, वहां देखा ये तो बहुत खतरनाक है, सजीव खेती रासायनिक से भी खतरनाक है, विदेशी षड्यंत्र है, उत्पादों में मिलता नहीं, लागत का मूल्य बहुत ज्यादा है, लोग छोड़ रहे और रासायनिक खेती में क्या रहे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। तो आखिर में उनको मालूम पड़ा कि एक महापागल है सुभाष पालेकर नाम का, और उसके लाखों फॉलोअर है और चमत्कारी परिणाम मिल रहे हैं, लागत का मूल्य शून्य है, कम से कम है, एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती होती, वो भी देशी गाय, उत्पादन कम नहीं होता, उत्पादन ज्यादा मिलता है, रासायनिक से भी ज्यादा मिलता है, जैविक से सजीव से भी ज्यादा मिलता है, घट नहीं होती, 10% पानी चाहिए, 10% बिजली चाहिए, 90% पानी की बचत है, 90% बिजली की बचत है, जबकि ये उत्पादन जहर मुक्त है, पोषण मूल्य से संपुक्त है, औषधि है, उपभोक्ता दाम दोगुने दे रहा है, लागत का मूल्य शून्य है, लगभग शून्य के तरफ है, दाम दोगुने मिल रहे हैं। नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। जब कीरत जी को देशभक्ति दिखाने का वक्त आ गया, यू गोइंग टू बी माय पायलट कीरत, कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। अब उठो देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं, अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है। 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
history has been created today. And have achieved the near impossible. ये तीन रंग सिर्फ रंग नहीं, एक पहचान है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। ये गीत सिर्फ गीत नहीं, एक जज्बा है, हम सबको एक सूत्र में बांधता है। GST ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है, देश के बाजार को एक सूत्र में बांधती है। GST एक राष्ट्र एक टैक्स।